हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ फार्मिंग पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय और आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आते हैं हम हमारी वीडियो पर। देखिए दोस्तों, धान का हमारा आज एक टॉपिक है कि धान के अंदर होपर, हरा तेला, भूरा तेला जिसे भूरा फुदका भी कह सकते हैं, जिसका ये जो है हरा तेला या होपर जिसे हम कहते हैं, तेला भी कह सकते हैं, हरा तेला, भूरा फुदका, ये जो धान के अंदर काफी चला कीट है। इसका कोई भी समय नहीं है, कोई भी पक्का समय नहीं है कि ये किस टाइम धान के अंदर आता है। ये किसी भी टाइम धान के अंदर अटैक कर सकता है। इसको आपको पहचान करनी होगी। इसको आप जिस तरह से, इस तरह से पेड़ है, आप इसको नीचे हिला करके देखेंगे, अगर आपके नीचे जैसे कोई तेला लग रहा है या बारीक बारीक से आपको हरा तेला नीचे यहाँ पर फुदका आपको दिखे तो आपको ऐसा लगे तो आपको स्प्रे करने की जरूरत है इसकी पहचान। और इसके लिए दवाइयां हैं दोस्तों, जो दो या तीन दवाइयां हैं जिसका पूरा रिजल्ट है, काफी अच्छा रिजल्ट है। तीनों ही दवाइयों की मैं शुरुआत करूंगा, जिसके अंदर पहली दवाई है जो होपर के लिए, वो है ओशीन। इसके अंदर डाइनोट प्राण होता है। आपको जो है टेक्निकल से इसमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही दवाइयां ब्रांड नेम से चलती है, आप ब्रांड नेम से भी कर सकते हैं। इसकी कितनी मात्रा पड़ती है, ओशीन की जो मात्रा है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ पड़ती है और इसकी डोज, इसकी कीमत जो है 2400 और 2500 के बीच में एक किलो की आती है, यानी कि मतलब 300-400 रुपए का खर्चा इसके अंदर, 300-350 रुपए का खर्चा एक एकड़ के अंदर है। 100 ग्राम इसकी डोज है ओशीन की। इसका रिजल्ट जो है दोस्तों, एक बार ये तेले को कंट्रोल तो कर देता है लेकिन इतना लंबा रिजल्ट नहीं है इसका। इसका रिजल्ट है 5 से 7 दिन का, 7 दिन तक, काफी ज्यादा लंबा इसका रिजल्ट नहीं है। लंबे रिजल्ट के लिए जो दूसरी दवाई है, अगर आपको लंबा रिजल्ट चाहते हैं तो मैं ये दोस्तों ये कहूंगा कि अगर ज्यादा तो है तो आप ओशीन कीजिए, अगर ज्यादा नहीं है आपको लंबा रिजल्ट चाहिए तो आप ओशीन की स्प्रे ना ही करें तो बेटर है दोस्तों। लेकिन ओशीन काम करती है, मौके पर काम करती है, लंबा रिजल्ट इसका नहीं है। दूसरे नंबर पर जो दवाई आती है वो सिजेंटा कंपनी की चेस दवाई आती है, जिसका दोस्तों काफी अच्छा लंबा रिजल्ट है। चेस दवाई के अंदर, चेस दवाई अगर आपने एक बार स्प्रे कर दी तो इसका जो खर्चा है किले का वो 500 से 550 रुपए तक का, 550 के बीच में इसका खर्चा है। इसकी डोज है 120 ml प्रति एकड़ और इसका जो मतलब इसका जो टाइम है वे कितने दिन तक ये असर करेगी, इसका टाइम है तकरीबन कम से कम दोस्तों 15 दिन तक आपके खेत के अंदर ये पूरा जो है तेले को कंट्रोल करेगी। 15 दिन का इसका काफी अच्छा रिजल्ट है चेस का। अगर आपने जैसे आज स्प्रे मार दी चेस की और आपको खेत में कोई भूरा फुदका या कोई उड़ता हुआ दिखाई दे तो ये मत सोचना कि आप चेस की, चेस दवाई ने जो काम नहीं किया, जिस टाइम हमने स्प्रे किया उसी टाइम चेस ने अपना काम शुरू कर दिया और जो भूरा फुदका है, जो तेला है, उसको आपको खेत में उड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा लेकिन वो नुकसान करना बंद कर देगा। इसलिए आप चेस का स्प्रे कर सकते हैं। डोज इसकी 120 ml प्रति एकड़ और रेट इसका 500-550 रुपए है। ये दो, एक आपकी ओशीन हो गई, दूसरी आपकी चेस हो गई और जो तीसरी जो दवाई है वो डूपोंट की पेक्सालोन है दोस्तों। पेक्सालोन इसका ये थोड़ी सी कॉस्टली काफी पड़ती है, मतलब 4500 से 5000 रुपए प्रति लीटर इसका दवाई है और इसकी डोज 50 से 60 ml, 50 से 60 या 70-80 ml तक भी आप कर सकते हैं इसकी डोज। और पेक्सालोन का जो रिजल्ट है वो चेस से भी काफी ज्यादा है। चेस हम 15 दिन तक रिजल्ट लाते हैं और कंपनी इसे रिकमेंड करती है 18 से 20 दिन का, लेकिन अगर कई किसानों से हमने पूछा, किसानों से बात की तो ये पेक्सालोन जो है 25 दिन तक का भी रिजल्ट देती है दोस्तों। इसलिए थोड़ी सी कॉस्टली जरूर पड़ती है, प्रति एकड़ के अंदर 800 से 1000 रुपए इसका, एक 1000 रुपए तक का इसका खर्चा हो सकता है एक एकड़ के अंदर, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो चेस और ओशीन से बहुत ज्यादा है। आप पेक्सालोन कर सकते हैं, अगर आप पेक्सालोन नहीं करें तो आप चेस जरूर कीजिए अगर लंबे रिजल्ट के लिए। तीनों दवाइयां हो गई, ओशीन, चेस और पेक्सालोन डूपोंट की, आप तीनों में से कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैंने आपको बता दिया है कि किसका कितना रिजल्ट है और कौन सी कंपनी, कितने रिजल्ट है, कितना इसका खर्चा है, कितनी एकड़ तक पड़ेगी। अगर फिर भी आपको इसके अंदर आपको टेक्निकल के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेक्निकल बता दूंगा और कितनी इसकी डोज पड़ेगी, कितना इसका एकड़ का खर्चा है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।